अगर आपके पास भी डेस्कटॉप या लैपटॉप है और उसमें SSD आपने लगवाया है और हार्ड डिस्क भी लगा हुआ है और उसको ऑन करने पर अगर दोबारा से SSD के अलावा जो है हार्ड डिस्क पे बूट हो रहा है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले सिस्टम ऑन करना है और F2 दबाना है, F2 कंटिन्यू दबाना है और सामने जो है ऑन होके ऐसा BIOS आएगा, ऐसा कुछ दिखेगा BIOS। अब यहाँ पे आपको जाना है बूट सीक्वेंस पे, तो आप कीबोर्ड के एरो से डाउन करिए और यहाँ से आप आ जाएंगे बूट सीक्वेंस पे। सामने आपको कुछ ऐसा स्क्रीन दिखेगा, यहाँ पे आपको आपने जिस कंपनी का SSD लगा रखा है या फिर कंपनी नहीं तो ये देख सकते हैं आप UEFI EVM SSD, तो आप इसको सेलेक्ट करके अप कर दीजिए ऊपर की तरफ और यहाँ से फिर अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई करने के बाद यहाँ पे आपको टिक लगाना पड़ेगा, आपके सिस्टम में अगर टिक ना लगा हो तो आप टिक लगा दीजिए यहाँ पे सेवेज पे और फिर ओके कर दीजिए, एग्जिट कर दीजिए। अब सिस्टम आपका रिस्टार्ट होके दोबारा से SSD पे विंडो ऑन होगा। अगर आपके भी सिस्टम में ऐसी कोई दिक्कत है तो आप इस सेटिंग से अपने SSD पे विंडो ला सकते हैं।